Hello guys, this is Vanilla. Welcome to ExamTime. Today we are going to learning about the Ntsc, PAL and CCAM system for standard derivations. Okay, so ये जो है ये अक्सर आता है एग्जाम में और इसका डिफरेंस भी आता है और इस वीडियो के बाद इसकी बीच में जो डिफरेंस है तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज द एनटीएससी? एनटीएससी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी. ओल्डेस्ट वन, ये स्टैंडर्ड सबसे पुराना है. ठीक है, एंड इट इज डेवलप्ड वेयर? यूएसए. ये यूएसए में डेवलप्ड हुआ, एंड फर्स्ट यूएसए में डेवलप्ड हुआ. कब हुआ? 1954 में. ठीक है, सो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी. और ये कहाँ पर डेवलप्ड हुआ? यूएसए में. कब हुआ? 1954 में. ओके, क्लियर. एंड यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स होता है? पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर? लाइन कितना है यहाँ पर? 625 लाइंस होता है, 625. ओके, एंड फ्रेम रेट कितना होता है यहाँ पर? फ्रेम रेट कितना होता है यहाँ पर? फ्रेम रेट, फ्रेम रेट होता है 29.97 हर्ज. ओके, और यहाँ पर पिक्चर रेजोल्यूशन कितना होता है? पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, पिक्चर रेजोल्यूशन कितना होता है यहाँ पर? 720 × 480, 704 × 480, 350 × 480, 352 × 240. ओके, ये रेजोल्यूशन भी होता है. तो ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी. ये कहाँ पर होता है? यूएसए में. किस टाइम में फर्स्ट ये डेवलप हुआ? 1954 में. ठीक है, सो ये यूएसए में फर्स्ट डेवलप्ड हुआ. और कब हुआ? 1954 में. और इसमें जो पैरामीटर होता है वो क्या क्या है? लाइन्स कितना है? 625. फ्रेम रेट कितना है? 29.97 हर्ट्ज. एंड पिक्चर रेजोल्यूशन कितना है यहाँ पर? 720 × 480, 704 × 480, 352 × 480, 352 × 240. ओके, सो इतना सब रेजोल्यूशन भी हो सकता है एनटीएससी टेलीविजन स्टैंडर्ड का. इसका जो रिफ्रेश रेट है, रिफ्रेश रेट वो क्या है? 60 हर्ट्ज. ठीक है, सो इसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो कितना कितना होता है? 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है. द रिफ्रेश रेट इज द नंबर ऑफ द टाइम द इमेज ऑन द स्क्रीन चेंजेस टू सिमुलेट द इल्यूजन ऑफ द मोशन. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है? द रिफ्रेश रेट इज द, दिस इज द नंबर ऑफ द times the image on the screen changes to simulate illusion. Or motion. Clear? And NTSC has more fluid motion. NTSC में क्या होता है? बहुत ज्यादा fluid motion रहता है. ठीक है, बहुत ज्यादा fluid motion रहता है. क्यों? क्योंकि 10 more frames per second. NTSC में 10 more मतलब 10 से भी ज्यादा frames एक second में होता है. ठीक है, 10 more फ्रेम्स पर सेकेंड. ओके, ये इसमें एनटीएससी में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड मोशन रहता है. क्यों? क्योंकि एनटीएससी में 10 से भी ज़्यादा फ्रेम्स हो सकता है पर सेकेंड.
ओके पर सेकेंड 10 से भी ज़्यादा फ्रेम एनटीएससी में हो सकता है, इसी वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड मोशन है। ओके इसका क्लियर हुआ। और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ इनएबिलिटी टू करेक्ट द कलर ऑन द स्क्रीन ऑटोमेटिकली। मतलब ठीक मतलब कौन सी कलर करेक्ट कलर वो स्क्रीन में चूज नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। ठीक है सो मतलब करेक्ट कलर क्या होगा, उस करेक्ट कलर को ऑटोमेटिकली वो चूज नहीं कर सकते स्क्रीन पर। हाँ सो इट इज इन एबिलिटी टू करेक्ट द कलर ऑन स्क्रीन ऑटोमेटिकली। ठीक है सो इट इज द इनएबिलिटी टू द करेक्ट द कलर ऑन स्क्रीन ऑटोमेटिकली। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एनटीएससी, ये ऑटोमेटिक कलर को स्क्रीन के ऊपर चूज नहीं कर सकते, करेक्ट कलर कौन है वो ऑटोमेटिक चूज नहीं कर सकते। ठीक है सो इट नीड अ टीन कंट्रोल दैट यूजर नीड टू एडजस्ट मैनुअली। ओके सो ये इसमें क्या लगता है, एक टीन कंट्रोल लगता है जो कि यूजर को क्या देता है, एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है तो लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखकर एनटीएससी को यूज करना थोड़ा थोड़ा करके बंद कर दिया, उसने पीएएल एंड एसी मतलब सी कैम सिस्टम को डेवलप करने के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ पर एक टीन को कंट्रोल करना पड़ता है और जो कि यूज़र को जो क्या करते हैं, यूज़र को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, मैनुअली एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है सो इस प्रॉब्लम को देखकर लोगों ने क्या सोचा कि एनटीएससी को अगर हम चेंज करके पीएएल सीकैम सिस्टम यूज़ करें, पीएएल सीकैम सिस्टम यूज़ करें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, और भी ज़्यादा नया है, मॉडर्न है वो। ठीक है तो ये है एनटीएससी। इसके बाद हम इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज है हायर फ्रेम रेट, इसका जो फ्रेम रेट होता है वो हाई होता है, रिड्यूस द विजिबल फ्लिकर। ओके लेस इनहेरिटेड फीचर नॉइस, इसका एसएन रेशियो जो होता है वो बहुत ही बेटर होता है, सिंपलर सर्किट देन पाल एंड सीकैम। ओके ये पाल एंड सीकैम से बहुत ही सिंपल होता है, इसका जो सर्किट होता है वो पाल एंड सीकैम से बहुत ही सिंपल है, इजी स्टूडियो मिक्सिंग एंड लेस कॉस्टली देन पीएएल। ओके इसका क्लियर हुआ, एडवांटेज आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर डिसएडवांटेज हो सकता है स्मॉल लुमिनेंस बैंडविड्थ, ये रिक्वायर करता है स्मॉल लुमिनेंस सिग्नल बैंडविड्थ। ओके ये यहाँ पर सिग्नल होगा, सिग्नल बैंडविड्थ। ओके दैट इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ इंफरेंस इंटरफेरेंस। ओके एंड सक्सेप्टेबल टू हुई फ्लैक्चुएशन लोअर गामा रेशियो, ये इसका जो डिसएडवांटेज है क्यों है, इसका जो गामा रेशियो होता है वो लो होता है एंड मोर कॉस्टली देन सीकैम, इट इज लेस कॉस्ट देन पीएल बट सीकैम से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लोअर नंबर ऑफ स्कैन लाइन, इट मीन्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑन लार्ज टीवी स्क्रीन। ओके इसका जो स्कैन लाइन का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ स्कैन लाइन बहुत ही लोअर होता है, इसकी वजह से इट रिड्यूस द क्वालिटी ऑन द लार्ज टीवी स्क्रीन। इस तक क्लियर हुआ, ये एनटीएससी की पूरी ट्यूटोरियल है, एनटीएससी कैसा होता है, इसमें कैसे क्या क्या पैरामीटर्स रहता है ये, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने सब बोल दिया, इसका फुल फॉर्म सब बोल दिया, कब ये डेवलप्ड हुआ, कहाँ हुआ फर्स्ट डेवलप, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने सब बोल दिया। ठीक है और इस नेक्स्ट वीडियो में हम पीएएल एंड सीकैम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़रा बड़ा हो गया, तो पीएएल एंड सीकैम के लिए मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगी आपके लिए, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि एनटीएससी एंड पीएएल एंड सीकैम कैसे क्या कैसे डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, और ये जो डिफरेंस है कि पीएएल से एनटीएससी की कॉस्ट कम है लेकिन सीकैम से ज़्यादा है। ठीक है ये मेन है। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो उसकी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।